मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू गारू जी, हमारी प्रिय ताई सुमित्रा महाजन जी, हमारी प्रिय बहन डॉक्टर मीरा कुमार जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस ऐतिहासिक नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के देश के कोने कोने से उपस्थित चुने हुए हमारे नुमाइंदे, जनवादी प्रणाली के प्रतीक हैं आप सब। आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम और सलाम करती हूँ। मैं प्रथम ही विश्वनाथ जी, विश्वनाथ कारत जी और राहुल कारत जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना रिस्क लिया कि जिस समय हमारे पॉलिटिक्स में इतनी तीखापन आ गया है, लेकिन इन्होंने रिस्क लेकर ये तय किया, ऑल फॉर इंडिया, टुगेदर फॉर इंडिया, भारत के लिए हम सब एक हैं, ये थीम को लेकर हमारे देश के तमाम राजनीतिक दलों के चुने हुए प्रतिनिधियों को उन्होंने आमंत्रित करके मंच उपस्थित की कि हम अपने बात कह सकते हैं कि क्या जब हम 2047 के भारत का जब हम कल्पना करते हैं तो क्या हमारे बीच में बांधने वाले कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जो हम कह सकते हैं कि हम एक होकर एक मजबूत और एक संवेदनशील भारत को हम बनाने में सफल होंगे। तो मैं आपको बधाई देती हूँ राहुल जी, आपका पूरा जो कंसेप्चुलाइजेशन है वो वाकई में बहुत ही है। इनफैक्ट आपकी इजाज़त से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आइए मंच पर और लोगों को आपका स्वागत करने के लिए आप मौका दीजिए। आइए राहुल जी, ताकि सभी जो यहाँ है वो आपको बधाई दे सकते हैं। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब and your concept and conceptualization has been very inspiring. Maine dekha yahan kal bhi aur aaj bhi ki hamare mahila MLAs aaye hain, MPs aaye hain. Abhi bhi hamare desh mein jab hum 2047 ke baad sochte hain, parliament ka bahut sundar building ban gaya hai. Main ummeed karti hu ki aaj jo halaat hain hamare mahilaon ki pratinidhitva ke, एवरेज अगर हम हिंदुस्तान के लिए तो वी आर अराउंड 7% एवरेज हमारे पूरे देश में। और हमारे यहाँ जो महिलाएं आए हैं वो सब जानते हैं कि एक एक इंच के लिए उनको कितनी संघर्ष और कुर्बानी देनी पड़ती है हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी मदद से 2047 के भारत में कम से कम 50% हमारी महिलाएं प्रतिनिधित्व वहाँ होंगे उस पार्लियामेंट में। मैं ये ज़रूर आशा करती हूँ आप सबकी मदद से। हमारे देश का एक परंपरा है कि पुरुष महिलाएं एक होकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े हैं और एक होकर हमारे संविधान का तमाम इक्वालिटी के प्रावधान एक होकर किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने असेंबलीज़ में और पार्लियामेंट में विमेंस रिजर्वेशन बिल को पारित करके आप मदद करेंगे कि 2047 में एक समृद्ध और श्रेष्ठ भारत में महिलाएं भी श्रेष्ठ जगह पाएंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। आज जब हम बैठे हैं, मैंने देखा 39 से हमारे बहुत सारे साथी आए हैं। आज उन सब के मन भारी है क्योंकि आज हमारे देश के कोना मणिपुर में एक बहुत संवेदनशील, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगी, स्थिति बनी हुई है। जब हम 2047 के भारत का कल्पना करते, आपकी बहस में भी और कल जो जिस पैनल में मैं थी, ये भी एक मुद्दा उठा था कि हमारे मजबूती भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और नॉर्थ ईस्ट हमारे देश के एक ऐसा हिस्सा है जहां ये कॉन्सेप्ट जो दुनिया को हमने दिया
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो कॉन्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट में जिंदा है। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हर ट्राइबल ग्रुप की, हर कम्युनिटी की आइडेंटिटी का एक महत्व है। लेकिन आज किसी प्रकार की उस आइडेंटिटी को अगर हम लोग एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का टूल बनाएं, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट किया जाता है कोई पॉलिटिकल गेन के लिए, और उस पहचान की जो अधिकार है वो बुलडोज किया जाए, तो ये एक सबक है हमारे लिए। 2047 के भारत में ये मानती हूँ आप सबकी ये राय होगी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और नॉर्थ ईस्ट की भाइयों बहनों को मैं बधाई देती हूँ कि आप हिंदुस्तान के उस कोने में इस प्रिंसिपल की आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मणिपुर की जो आज स्थिति है वो बहुत जल्दी शांति की स्थिति वहाँ बनेगी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है हमारा, उसको हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हमने ये सोचा और आप लोगों ने मंथन की दो दिन कि वो कौन से तरीका होंगे जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं वी आर ऑल टुगेदर फॉर भारत। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट कड़ी, वो कड़ी कौन सी है? मेरी समझ में हमारे आज़ादी की संघर्ष हमें वो जवाब देता है। आज़ादी के संघर्ष के बाद उस आज़ादी के संघर्ष की वसूल सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रेखांकित किया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन आज अगर हम देखें, बहुत कमियां हो सकती हैं उसमें। मैं मानती हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो ऐसे बहुत धाराएं हैं जो डायरेक्टिव ही रह गए, अमल में नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ आज। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ कि अगर भारत टुगेदर, वी आर ऑल टुगेदर फॉर इंडिया, द वन डॉक्यूमेंट, द वन स्पिरिट, द वन बाइंडिंग फैक्टर फॉर ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन इज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग खंभे हैं, आज में इतना समय नहीं है कि हम उसकी डिटेल में जाए, लेकिन मैं चार बात कहूंगी। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब इस शब्द में है हम भारत के लोग। हमारे संविधान का प्रियम्बल कहता है हम भारत के लोग, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, हम सब भारत के लोग हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम भारत के लोग, नॉट हम भारत के हिंदू, हम भारत के इस धर्म या उस धर्म। तो सेक्युलरिज्म का मतलब है अगर कोई निर्दोष को धर्म के नाम पर लिंचिंग होता है, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये कोई कम्युनिटी का लिंचिंग नहीं है। अगर संविधान हमें बांधता है, मैं कहती हूँ वो हर लिंचिंग संविधान का सिंबॉलिक लिंचिंग है। ये भावना को लेकर अगर हम चलेंगे, 2047 का भारत एक ऐसे भारत होगा जो कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं। दूसरी बात है जनवाद की। हमारे विभिन्न डिफरेंसेस है, मैं मानती हूँ, हो सकता है मैं कम्युनिस्ट हूँ, हो सकता है आप सब मेरी विचारधारा को बिल्कुल गलत मानते हैं, हमारी संविधान मुझे अधिकार देता है। लेकिन आज किसी प्रकार के अगर जनवादी प्रणाली में कानूनों को इस्तेमाल करके हम लोगों को बंद कर लेंगे जेल में, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं संविधान की बात कर रही हूँ। जनवाद और जनवादी प्रणाली हमारे देश की बुनियाद है। पृथ्वीराज चौहान जी ने बहुत सारे बताए हैं, आप लेजिस्लेटर्स हैं, आप जानते हैं आज क्या कॉर्पोरेट का पैसा कैसे हमारे चुनाव के मैदान को प्रदूषित कर रहा है। मैं ऐसी पार्टी में हूँ जहाँ मजदूर किसानों की पार्टी है। मैं आपको बता रही हूँ आज चुनाव लड़ना हमारे लिए कितना मुश्किल है, कितना करोड़ों रुपया खर्च करना, आप जानते हैं, आप लड़ते हैं, आप संघर्ष करते हैं। तो ये हमें
इलेक्टोरल रिफॉर्म के रूप में देखना पड़ेगा। जनवाद पैसा के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, ये सिर्फ मैं कहती हूँ। आने वाले दिनों में 2047 का जनवाद जो भारत का होगा, लेट इट नॉट बी लिंक टू मनी एंड मनी पावर, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तीसरी बात, सोशल जस्टिस। महिलाओं के बारे में मैंने कहा, मैं दलितों की बात करती हूँ। ये क्यों है आज भी हमारे देश में? संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, क्यों है आज भी? एक दलित घोड़ी पर नहीं चल सकता है, शादी के लिए उसको उतारा जाएगा क्योंकि वो दलित है। मैं जानती हूँ बहुत हम लोग आगे बढ़े हैं, मनुवाद के विचार में हमारे संविधान ने कोई स्थान नहीं दिया है, लेकिन मेरे प्रिय साथियों, मैं कहती हूँ अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैनॉट कोइंसाइड विथ और कोएग्जिस्ट विथ अ कास्ट सिस्टम। तो मैं ये कहूँगी कि दलितों के जो संघर्ष है और दलितों की जो अधिकार है, वो मैं कहूँगी वो ज़रूर उसमें रहना चाहिए। और आखिर मैं बात कहूँगी कि जो हमारे जो मुख्य सवाल है जस्टिस की, इकोनॉमिक जस्टिस की, हम एक ऐसे 2047 का देश चाहेंगे मेरे प्रिय साथियों, उस देश में बराबरी हो। मजदूर किसान जो धन तैयार करता है, वो धन मजदूर किसानों के हाथों में हो। ये भी मैं अपील करूंगी कि एक साथ मिलकर हम लोग उस प्रकार की एक भारत बनाएं जो सबके लिए बराबर का अधिकार होगा। आप क्षमा कहेंगे कि अगर मेरे शब्दों ने किसी को डिस्टर्ब किया है, मैं संविधान की बात कह रही थी। मैं समझती हूँ हम लोग सब संविधान के प्रति खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू।